जी दोस्तों, आज ना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आग कैसे जलानी है आसानी के साथ। क्योंकि तो आजकल सर्दी है तो गैस है नहीं, तो आपने ना जैसे क्रेट की, जिसमें सेब या ऐसे क्रेट की ना पतली पतली सी लकड़ियाँ मिलती हैं, तो वो ले लेना है। उनको आपने टुकड़ों में टुकड़े कर लेने, और उसके बाद आपने उनको जो मोटी लकड़ियाँ होगी जैसा कि ये वाली हैं, उन मोटी लकड़ियों में रख देना है। उनके ऊपर रख कर ऐसे ये बारीक बारीक आपने ऊपर रख देनी है। इससे धुआं तो होगा लेकिन थोड़ी देर बाद ना आग जल जाएगी। ये देखिए, इसके अलावा आप कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी कोई टाकियाँ ले लें जो रफ़ यूज़ में होती हैं, उसको आप इस तरह से आग लगाएं, क्योंकि कपड़े को आग बड़ी जल्दी लगती है। इस तरह से इनको आप नीचे रख दें ताकि मोटी लकड़ियों को भी आग साथ साथ लगती जाए। कुछ देर इनको जलने दें। कुछ देर के बाद यहाँ पे इन पे ना इस तरह से आग भड़क जाएगी, और आप इसको, इसके कोयले हैं उनके साथ आराम से सर्दी में बैठ सकते हैं, चाय शाय भी पी सकते हैं, चाय बना भी सकते हैं। अगर गैस नहीं आ रही तो इस पे आप कतीली वगैरह रख कर चाय खाना छाना, क्योंकि ये प्रॉपर चूल्हा नहीं है। अगर चूल्हा होता तो उसमें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खाना भी बना सकते हैं। देखिए, अब धुआं ख़त्म हो गया, उसने पलाग दे दी। इसके बाद इस पर सिर्फ कोयले बन जाएंगे, जो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना हीट रखते हैं रूम में।